ऑल राइट सो माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, आज की रात हो जाए कुछ बात ओनली ऑन रेडियो सबका साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद फर्राज, और जी हां जनाब, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो दी कप शप शो। सो यस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, और काफी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि मेरा बर्थडे मंथ है। 8th of October को मेरा बर्थडे आता है। वाओ, शुरू में मैंने ये बता दी, लेकिन कोई बात नहीं। जी हाँ, आज जिसका बर्थडे है तो उसको हमारी तरफ से, नई सुबह की पूरी टीम की तरफ से और रेडियो सबका साथ की पूरी टीम की तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। अल्लाह ताला को बहुत 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 ही ज़्यादा खुशियाँ दिखाए, और आमीन। अब हम करेंगे आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बात है, जो कि आपको और मुझको करेंगे कनेक्ट, एक समझ बॉन्ड वाला रिश्ता बना देंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, और ठीक ठाक नहीं तो मैं हूँ ना यहाँ पे, जो कि आपको ठीक ठाक करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन मैं उससे पहले ये बताता चलूँ कि अगर आप इस शो को सुन रहे हैं तो शो को सुनते हुए मैं जल्दी जल्दी से इस शो को लाइक कीजिए, और नई सुबह को जो ये यूट्यूब चैनल है उसको आप जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, और हमारे इस शो को शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों से, ताकि वो भी उसको सुने। और बाकी मैं बताऊँगा आगे जाके टॉपिक के बाद ये भी बताऊँगा कि आप शो में किस तरह से शामिल सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स को, आपके मैसेजेस को शो के अंदर शामिल किया जाए और उसका एक फीडबैक लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके मैसेजेस से, आपके कमेंट्स से किसी दूसरे को या किसी तीसरे को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा हो। तो बात कुछ ऐसी है कि टॉपिक जो हमने रखा है आज, वो ये है कि सफ़र, जो कि इंग्लिश का नहीं बल्कि उर्दू का, कि सफ़र कितना ज़रूरी है, और आखिर हम जब सफ़र करते हैं अकेले तो अकेले ज़्यादा अच्छा सफ़र गुजरता है या किसी के साथ, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का सफ़र हो, चाहे आपके करियर का सफ़र हो, या फिर आप किसी वाकई रोड के ऊपर चलते हुए किसी मंजिल तक पहुँचना चाह रहे हो, तो वो सफ़र आपका अकेले गुजरना अच्छा लगता है, आपको गुजारना अच्छा लगता है, या फिर किसी के साथ अच्छा गुजर जाता है। तो ये बात आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। कमेंट में जल्दी से लिखें अपना नाम के साथ, नाम तो आपका आ ही रहा होता है, लेकिन ये टॉपिक लिखें और टॉपिक के नीचे अपना जवाब लिखें और उसको भेज दीजिए। आप एक कमेंट को हम नेक्स्ट शो के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे और बताएंगे कि किस किस ने कमेंट किया था और किस किस तरह से वो शामिल हुआ है। और बाकी आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं नई सुबह की, जहाँ पे आपको मज़ीद कॉन्टेंट मिल जाएगा। यूट्यूब की मज़ीद प्लेलिस्ट में भी आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन नई सुबह की वेबसाइट को भी आप लाजमी विजिट करें टू सी दी ऑल दी फैकल्टीज एंड ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नई सुबह। तो उसको विजिट करने के लिए आप लिख सकते हैं अपने ब्राउजर के सर्च बार में जाके naisubha.org, www.naisubha.org, और उसके बाद आप जाके उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी जनाब। जैसे कि आपको पता है कि अभी सफ़र का महीना भी चल रहा है, तो सफ़र, इस महीने में सफ़र करना कितना मुबारक होता है। हम सफ़र भी करते हैं, और ये वो वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ जब आप अपने घर से निकलते हैं दुआएं पढ़ते हुए और सफ़र की दुआ पढ़ते हुए किसी न किसी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और रवाना होने के लिए आपको क्या लगता है कि आप अकेला वो सफ़र तय करते हैं तो आपको मज़ा आता है, या फिर आपको लगता है कि किसी का साथ होता तो क्या ही बात थी। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यार, वाकई मैं अकेले सफ़र करता हूं तो मैं थोड़ा बोर हो जाता हूं, मैं कुछ ना कुछ अपने कानों में हैंडफ्री लगा लेता हूं, कुछ ना कुछ सुन रहा होता हूं। लेकिन अगर मैं किसी के साथ होता हूं तो वो सफ़र बहुत आसानी से कट जाता है, वो लंबा सफ़र बहुत छोटा लगने लगता है। वो लंबी जो तवील हमें जो सड़कें देखनी पड़ती हैं, जो इतना सारा जमघट्टा होता है, जो ट्रैफिक का शोर होता है, जो लोगों की एक तकोदौ के अंदर हम लोग घूमते हम लोग जा रहे होते हैं, तो वो अकेले में मज़ा नहीं आता। वो किसी न किसी का अगर साथ होता तो वो सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत अमेजिंग हो जाता है, बहुत वो सफ़र हमारे लिए एक याद बन जाता है। तो इसीलिए मुझे सफ़र किसी न किसी के साथ करना पसंद है। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सफ़र किस तरह से करना पसंद है। तो वो सफ़र जो कि आप अगर रोड्स पे जा रहे हैं या किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो वो वाला सफ़र आपको किस तरह से पसंद है? क्या आप वाकई, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वो आप सफ़र अकेले गुजारते हुए कानों में हैंडफ्री लगाए चलते रहेंगे, या फिर कोई आपके साथ, आपका हमसाया होना चाहिए, कोई साथी होना चाहिए, कोई भी दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी इस तरह का बंदा जो कि आपको लगता है कि आपके साथ होता तो आपका सफ़र और ज़्यादा अच्छा हो जाता।
तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए, जो कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आप कमेंट कीजिए और आपकी कमेंट को नेक्स्ट शो के अंदर बिल्कुल शामिल कर दिया जाएगा। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप मज़ीद किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के शोज़ सुनना पसंद करेंगे, ताकि हम आपकी इस रिक्वेस्ट पर अमल करें और अपने शोज़ को उस हिसाब से आपके टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हम हैं ही ना यहाँ पे आपको इंटरटेन करने के लिए, सो वी आर हेयर फॉर एंटरटेनिंग यू गाइज। सो जल्दी से आपका कमेंट करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, और हमें बताएं कि आखिर शो कैसा जा रहा है, टॉपिक के हवाले से भी अपनी हाजिरी लगा सकते हैं और शो के अंदर शामिल हो सकते हैं। मेरे मुताबिक एक जो सफ़र, जो हमारा ज़िंदगी का सफ़र होता है, अगर हम वो गुजारना चाहें तो वो भी अकेला नहीं गुजारा जा सकता, वो उसमें भी हमें किसी न किसी साथी की, किसी पार्टनर की, किसी हमसाये की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने सफ़र को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुजार सकें। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम बगैर किसी साथी के पैदा नहीं होते, हमारे साथ हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो ये सब हमारे साथी होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारे जो साथी हैं वो चेंज होने लगते हैं, हमारे स्कूल क्लासमेट्स आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स आ जाते हैं, कॉलेजेस हैं, उसके बाद ऑफिस कलीग्स आ जाते हैं, कुछ हमारे दोस्त बन जाते हैं, फिर आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हमारा लाइफ पार्टनर होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत अंदाज से गुजार सकें। वो एक ऐसा पार्टनर होता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं, अपने घर को खूबसूरत बना रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि घर जब खूबसूरत होता है, तभी हम भी अपने आप को उस हिसाब से खूबसूरत बना पाते हैं। ये खूबसूरती वो नहीं है जो कि एक बाकायदा मटीरियलिस्टिक है, बल्कि वो है जो ज़िंदगी की खुशियों की खूबसूरती होती है। अगर हमारे पास ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा घर है, तो हम आगे भी अपनी पॉजिटिविटी को फैला रहे होते हैं, एक अच्छी वाइब्स लोगों के ऊपर डाल रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सफ़र मुझे लगता है कि अकेले नहीं गुजारा जा सकता जनाब। तो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि क्या ये सफ़र अकेले गुजारा जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो फिर भी क्यों। और जैसे कि आपको पता है कि जवाब कैसे देना है, तो जवाब का मुंतज़िर हूँ मैं, और आपके जवाबों को भी शामिल किया जाएगा, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से करें मैसेजेस या कॉमेंट्स, और अपने कॉमेंट करने के बाद हमारे शो के अंदर शामिल हो जाएं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो सीट बेल्ट लाजमी लगाएं, और अगर बाइक पे सफ़र कर रहे हो तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट की असल जगह वही है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने बाइक की टंकी पे या बाइक के हैंडल पे हेलमेट टंगा लेते हैं, और साथ ही साथ बस वो चला रहे होते हैं बगैर किसी फिक्र फाके के। लेकिन ऐसा ना करें, अपने सरों पर हेलमेट लगाएं और सेफ्टी का लाजमी ख्याल रखें, और रोड्स पर लाजमी ध्यान रखें, सिग्नल को लाजमी फॉलो करें, लाल बत्ती पर रुक जाएँ और हरी बत्ती पर चालू हो जाएँ, जहाँ पर जाना है आपको फटाफट पहुंच जाएं। लेकिन साथ ही साथ अपनी स्पीड का और रोड्स का और ट्रैफिक का ऊपर बराबर नज़र रखते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ आगे जाते रहें। और साथ ही साथ अभी जैसे कि आपको पता है कि कोरोना, जो कि हमने पाकिस्तान ने काफ़ी कंट्रोल किया था, लेकिन अभी फिर इसमें इजाफा आ रहा है। इसी वजह से, क्योंकि हम लोग उसमें बदएहतियाती कर रहे हैं, हम लोग ख़ुद उस चीज़ की हिफाजत नहीं कर पा रहे, अपनी हिफाजत नहीं कर रहे। तो हमें अपने, जब हम बात करते हैं पार्टनर्स की अपने, तो हमारे जो आसपास के लोग हैं सभी हमारे हम मुल्की हैं, हम वतन हैं। और साथ ही साथ जब हम अपने घर की बात करें, तो अगर हम ऐसी अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो अपने घर वालों की हिफाजत कैसे करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि प्रिकॉशंस लाजमी रहें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और जितना हो सकता है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। क्योंकि अगर हम इसको रोक नहीं सकते, तो कम से कम हम इसमें थोड़ा कंट्रोल तो कर सकते हैं। हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हम थोड़ा इस पर कंट्रोल कर लें, जो चीज़ हमारी काफ़ी बेहतर हो रही थी। लेकिन अगर हम अपनी बदएहतियाती की वजह से इसको दोबारा बढ़ाएंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो बेहतर ये है कि हम अपनी एहतियात करें, हिफाजत करें, ताकि हम आने वाली जनरेशन की भी, और अपने साथ जो हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनकी भी हिफाजत कर सकें। चले जी, तो मेरा टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सफ़र जो है हमारा अकेला अच्छा गुजरता है, या हमें किसी के साथ हमारा अगर सफ़र गुजर रहा हो तो किस तरह, मतलब, या वो ज़्यादा अच्छा गुजर रहा होता है, तो बता सकते हैं आप कमेंट करके हमारे YouTube चैनल पे, हमारे इस वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपकी वजह से जब आप ये शेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि काफ़ी लोग से मुस्तफ़ीद हो रहे हों।
और आपके किसी न किसी जवाब से और भी काफ़ी लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हो, तो आप जल्दी से इसमें कमेंट कीजिए। लेकिन मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ कि सफ़र जो है, चाहे वो ज़िंदगी का हो, चाहे किसी मंजिल का हो या किसी करियर को, हर हमेशा अकेले नहीं गुजारा जा सकता। किसी न किसी साथी की, किसी पार्टनर की, किसी कलीग की, किसी न किसी एक हिस्सेदार की, किसी हमसाये की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने सफ़र को खूबसूरत बना सकें और उसको बेहतर बना सकें। जी हाँ जनाब, मेरे हिसाब से तो यही ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट को, आपके मैसेजेस को, आपकी राय को अगले शो के अंदर शामिल किया जाएगा और आपके सजेशन पे भी अमल किया जाएगा। तो इसी के साथ मुझ नाचीज को दें इजाजत, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।